हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग प्रोडक्ट्स जो मैंने अमेजन से मंगवाए हुए हैं। चलिए जल्दी से शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में ये हॉल मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कॉट सेट की। मुझे एक हल्का फुल्का कॉट सेट चाहिए था बिकॉज मैं ट्रैवल भी करने वाली हूँ, तो उस पर्पज से तो मैंने ये दिस इज़ फ्रॉम जनाइसा ब्रांड का कॉट सेट है। ये थोड़ा सा ब्राइट सा कलर है, अच्छा लगता है इसे पहनने के लिए, ग्रीन कलर का और इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट ऑरेंज एंड पिंक कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं। और जो टॉप है वो ये है, मैंने अभी जस्ट इसको ओपन करके देखा तो किसी कल ही आया है। सो आई डोंट नो ये मुझे लूज रहेगा या टाइट रहेगा, पहन के देखूंगी तब मुझे पता चलेगा, अदरवाइज मैं साइज़ जो है वो चेंज करके छोटा मंगवा लूँगी बिकॉज अभी मेरे जो साइज़ है, मुझे मेरी जो जितनी भी पुरानी जीन्स थी जो मैं डेनिम्स पहनती थी वो सब डेनिम वापस से फिट आने लगी हैं, एक आध दो को छोड़ के। जो बहुत स्किन टाइट हैं, जो बहुत ही छोटी ली है मैंने, वो नहीं आ रही है, बट जो मेजरली मेरी जो डेनिम्स हैं वो मेरे को फिट आने लगी है, तो अभी शायद मैं बैक टू अपने नॉर्मल साइज में आ गई हूँ। तो लेट्स सी, ये भी पहन के देखूंगी तो आपको दिखाऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली में आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने मंगवाया हुआ है ना, वो एक टॉप मंगवाया है। आई लव डेनिम टॉप्स, बहुत स्मार्ट एंड बहुत सही लुक देते हैं। तो अभी मैं जो भी टॉप मंगवा रही हूँ ना, वो कोशिश कर रही हूँ कि वो फीडिंग फ्रेंडली ही हो। ये इस तरीके के बटन्स हैं और इसका जो शोल्डर है ना, मुझे वो बहुत स्टाइलिश लगा था एंड हमेशा पहन सकते हैं, मुंबई में भी कैरी कर सकते हैं, इस तरीके का मैंने मंगवाया है। सो दिस इज द टॉप। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मैंने मंगवाया है वेडिंग से रिलेटेड, बिकॉज जो शादी है वो इंदौर में है और अभी तक जितनी भी हमारे यहाँ शादियाँ हुई है ना, वो इतनी ठंड वाली शादी नहीं हुई है। और क्योंकि इस बार मैं बच्चे के साथ रहने वाली हूँ, बेबी के साथ रहने वाली हूँ, सो आई नीड थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन बिकॉज मुझे नहीं पता वेदर कैसे रहने वाला है। जो भी मुझे होगा वो उसको होता ही होता है। सो इसलिए मैंने ना शॉल्स मंगवाई है थोड़ी अच्छी। तो एक शॉल तो मैंने ये मंगवाई है कि आप अच्छे साड़ी लहंगा सूट्स के ऊपर कैरी कर सको, जरी बॉर्डर वाली। यहाँ पर ऐसे कॉर्नर में जरी बॉर्डर दिया हुआ है जो कि बड़ा ही सुंदर एंड क्लासिक सा पीस लग रहा है, बहुत सुंदर है ये। ये देखिए, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। तो आप इसको किसी भी सूट के ऊपर, साड़ी के ऊपर रिप्लेस कर सकते हो दुपट्टे से। सो दिस इज द फर्स्ट शॉल और जो सेकेंड है वो मेरी फेवरेट है। नाउ दिस इज द सेकेंड शॉल, लुक एट दिस। आप इसका पास से दिखाती हूँ, इसका वो देखिए जरी, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ये पूरा हैंड वोवन शॉल्स है, ये देखिए ब्लैक कलर का इसका बेस है एंड पूरी हैंड वोवन शॉल है, बहुत ही प्यारी है। ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है बट इतना प्रोमिनेंट इसका कलर है नहीं। पीछे से देखिए आपको पूरा इसमें जो काम किया हुआ है ना, उसके थ्रेड्स दिखेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली अ प्रॉपर हैंड वोवन शॉल है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी ये बट मुझे ये बहुत अच्छी लगी, हमेशा के लिए हो गई है ये, मतलब साड़ीज़ वगैरह में, सूट्स वगैरह में, वेडिंग्स वगैरह में, क्योंकि आजकल सभी लोग शादियाँ गर्मी में कोई करना पसंद नहीं करता है। मतलब एक पूरी काफ़ी अच्छी खासी लंबी, आप मान के चलो 6-7 शादियाँ अभी बची हैं, मतलब मेरे फर्स्ट कजन्स की बात कर रही हूँ मैं, सग के तो बहुत शादी है और सब आजकल ठंड में शादी करते हैं, गर्मी में कोई नहीं करता है। तो ये हमेशा के लिए हो गई है, बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ से ये है इसका। जो नेक्स्ट चीज़ मैंने मंगवाई है वो मंगवाया है ये मेकअप किट। दिस इज़ द मेकअप किट जो मैंने मंगवाया हुआ है, बहुत अच्छा है, छोटा सा है, इस तरीके का मेरे पास एक था बट मैंने ये गिफ्ट करने के लिए पर्पज से मंगवाया है और ट्रैवल फ्रेंडली भी है। मेरे पास जो है ना वो काफ़ी बड़ा है तो उसको आप, और काफ़ी हैवी भी है तो ये ना बहुत लाइट वेट है इसके अंदर, जबकि सारा सामान भरा हुआ है। मैं आपको इसको ओपन करके बताती हूँ। सबसे बेस्ट चीज़ तो इसकी ये है कि जब आप इसको ओपन करते हैं ना तो यहाँ पर भी सेक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, आप अपने ब्रशेस वगैरह या टॉयलेटरीज रख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए लिपस्टिक्स वगैरह, लिप लाइनर्स वगैरह कैरी कर सकते हैं। तो इसको मैंने फिल इन भी कर दिया है, पूरा भर दिया है सारी चीज़ों से, तो काफ़ी इनफ स्पेस है, मतलब इतना ही मेकअप आप यूज़ करते हो और कितना ही मेकअप यूज़ करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं अभी केमिकल्स अवॉइड कर रही हूँ लगाना, तो मैं परफ्यूम्स वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ और क्योंकि मैं वेडिंग में जा रही हूँ तो थोड़ा तो नीड होती ही होती है। तो मैंने जो परफ्यूम मंगवाया है ना, वो मंगवाया है ये फॉरेस्ट एसेंशियल का, ये फॉरेस्ट एसेंशियल का बॉडी मिस्ट नरगिस। ये एटलीस्ट इसमें केमिकल्स नहीं है तो नुकसान नहीं करेगा, वैसे बॉडी पर भी लगा सकते हो, को बिना डरे बॉडी पे लगाती थी बट ठीक है, परफ्यूम की तरह मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। सो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, इसको मैं ऑलरेडी एक बार यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी पसंद है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है। कमिंग टू माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस
छोटा सा ट्रेवल फ्रेंडली शैम्पू जो कि है अविमी हर्बल का शकुंतला हेयर क्लेंजर। इसके बड़े बॉटल्स भी मैं 2 से 3 ख़त्म कर चुकी हूँ और अभी भी मैं वही यूज़ कर रही हूँ। क्या सबको पता होगा मेरा 4th मंथ स्टार्ट हो चुका है एंड 4th मंथ से होना स्टार्ट हो जाता है आपको हेयर फॉल, जो भी प्रेग्नेंट होंगे उनको पता होगा। तो मैं फिलहाल यही यूज़ कर रही हूँ और क्योंकि अभी मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रखा है तो मेरे बालों में काफ़ी गठाने लग जाती है, तो उसको मैनेज करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मोरक्कन ट्रीटमेंट ऑयल। ये भी मेरी 2nd या 3rd बॉटल है, छोटा वाला ही मंगवाती हूँ मैं, मुझे ये ज़्यादा सही लगता है। सो बहुत ईजिली मैनेज हो जाते हैं इससे, क्योंकि अभी मैं मोस्टली पता है क्या कर रही हूँ, अपने बालों को टाई करके रखती हूँ, गुथ के रखती हूँ, ब्रेड्स बना के रखती हूँ, मैं वॉश करती हूँ, सुखाती हूँ और ब्रेड बना लेती हूँ। तो ये हल्के से नेचुरल कर्ल्स आ जाते हैं, वेव्स आ जाते हैं हल्के हल्के मेरे बालों में। बाकी यहाँ से तो पूरा वो स्ट्रेट ही लुक रहता है, बट नीचे नीचे से वेव्स आ जाते हैं, मैं बस 2-3 ऐसे ब्रेड्स बना लेती हूँ। सो येस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी, चेक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।